प्रीवियस लास्ट कुछ वीडियोस में हमने फॉर्म्स के टॉपिक को स्टार्ट किया और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और फॉर्म की फंक्शनैलिटी और फॉर्म कैसे वर्क किया जाता है और फॉर्म किस पर्पस के लिए यूज़ होता है इसके बारे में हमने स्टडी किया। इस वीडियो में हम जो है फॉर्म कंट्रोल्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही हम टैक्स कंट्रोल को जो है वो कवर करेंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको स्टडी किया जाएगा। तो लेट्स सी, फॉर्म इज़ मेड अप ऑफ फील्ड्स और कंट्रोल्स। द कंट्रोल्स आर द आइटम फिल्ड इन और मैनिपुलेटेड बाय द यूज़र टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म जो है वो बेसिकली कंट्रोल्स या फील्ड से मिलकर बना होता है और ये कंट्रोल्स जो हैं वो बेसिकली आइटम्स होते हैं जिनको फिल या यूज़र जो है मैनिपुलेट करता है और जो कि यूज फॉर्म की स्टेट को इंडिकेट करते हैं। बेसिकली कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली यूज़र जो है वो वैल्यू या टेक्स्ट टाइप करता है और कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जिनको यूज़र सेलेक्ट करता है उनकी वैल्यूज़ को। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल और फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर्म के ऊपर जिनको यूज़र जो है जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो फॉर्म कंट्रोल्स इंक्लूड टेक्स्ट फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड्स, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड्स, पॉपअप मेन्यू, स्क्रोल लिस्ट, रेडियो बटन, हिडन फॉर्म कंट्रोल्स आर आल्सो पॉसिबल। तो फॉर्म कंट्रोल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स हैं जिसमें टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड्स है, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड्स है, पॉपअप मेन्यू है, स्क्रोल लिस्ट, रेडियो बटन और कुछ कंट्रोल ऐसे भी हैं जो आप फॉर्म के ऊपर हिडन रख सकते हैं। तो ये तमाम जो कंट्रोल जो हम देख रहे हैं इनको वन बाई वन हम इनके फंक्शनैलिटी और एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। द इनपुट एलिमेंट इज़ यू टू क्रिएट अ सेवरल डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स। द वैल्यू ऑफ अ टाइप एट्रीब्यूट डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ इनपुट दैट विल बी अ क्रिएटिंग। तो बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स या फॉर्म टैग्स के अंदर आप इनपुट एलिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स जो है वो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि इनपुट टैग जो है वो विद इन द फॉर्म कंट्रोल हम यूज़ करेंगे और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है इनपुट एलिमेंट या टैग का दैट इज़ द टाइप। टाइप एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करेगी आप कौन सा किस टाइप का जो है कंट्रोल क्रिएट करना चाह रहे हैं। सपोज अगर आपने टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो टेक्स रखी है तो इसका मतलब है आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अगर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने पासवर्ड रखी है इट्स मीन कि आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आपने टाइप बटन की वैल्यू जो है वो रेडियो रखी है तो इट्स मीन कि आप रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं। सो टाइप एट्रीब्यूट जो है इनपुट एलिमेंट का इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि हेल्प करता है कि किस टाइप का कंट्रोल जो है वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। हाउएवर सेलेक्ट इज़ कम्बिनेशन विद द ऑप्शन एलिमेंट एंड द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज़ आल्सो कॉमन इन द फॉर्म। तो इनपुट जो है टाइप के अलावा आप मज़ीद जो कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं सेलेक्ट एट्रीब्यूट, बेसिकली आप सिलेक्शन के थ्रू अगर कोई वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट टैग या एलिमेंट को विद ऑप्शन एलिमेंट या टैग के साथ यूज़ करके आप कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, अगर आप सिंपल टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन के अलावा मल्टीपल लाइंस कमेंट्स के लिए जो है वो कोई क्रिएट करना चाहते हैं कंट्रोल, तो टेक्स्ट एरिया का टैग एलिमेंट जो है दैट इज़ आल्सो कॉमनली यूज इन द फॉर्म। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स और हम इनको वन बाय वन देखेंगे। टेक्स्ट कंट्रोल से हम स्टार्ट लेते हैं। यूजुअली द इंफॉर्मेशन एंटर बाय द यूजर्स इज लाइक टेक्सचुअल लाइक नेम्स, एड्रेसेस एंड कमेंट्स एज वेल एज न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक फोन एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। फॉर्म कंट्रोल्स दैट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डाटा आर गार्ड टेक्स्ट बॉक्सेस। बेसिकली नॉर्मली जो यूज़र फॉर्म्स के अंदर वैल्यूज इंटर करता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती हैं, नॉर्मली टेक्स्ट इंटर किया जाता है। जस्ट लाइक यूज़र ने नेम्स, एड्रेसेस और कमेंट्स वगैरह इंटर करनी है तो दैट विल बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट। और समटाइम जो है वो नंबर या नुमेरिक वैल्यूज़ भी जो है वो यूज़र की तरफ से इंटर होती हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना है तो दैट विल बी अ थ्रू अ टेक्स्ट कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल्स जो कि यूज़ होता है टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इंटर करने के लिए नॉर्मली दैट इज़ द टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। जनरली वन लाइन लॉन्ग दैट टेक टेक्स्ट इनपुट, नॉर्मली एक लाइन का अगर टेक्स्ट आपने इनपुट करना तो आपको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द फॉर्म कंट्रोल इज़ द टेक्स्ट एंट्री टाइप।
to set the text entry control, use the input element and set the type attribute equal to text. तो सिंपली अगर आपने टैक्स एंट्री करनी है फॉर्म के अंदर तो आपको टैक्स बॉक्स की ज़रूरत है और इस टैक्स बॉक्स को जो है स्पेसिफाई करने के लिए आपको इनपुट एलिमेंट या इनपुट टैग की जो एट्रीब्यूट वैल्यू है दैट विल बी अ टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है आप टैक्स डिफाइन करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे तो आपका टैक्स कंट्रोल जो है दैट विल बी अ क्रिएटेड ऑन द फॉर्म. तो इनपुट एलिमेंट या इनपुट टैग का जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ टाइप एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो आप टैक्स स्पेसिफाई करेंगे. जस्ट लाइक ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमने इनपुट जो है एलिमेंट को यूज़ किया, टैग को यूज़ किया, उसमें हमने टाइप और उसकी वैल्यू जो है वो हमने टेक्स्ट डिफाइन की है. सो इन दैट वे यू कैन क्रिएट अ कंट्रोल बॉक्स ऑन द फॉर्म. ऑल फॉर्म्स एलिमेंट शुड बी अ नेम, लाइक नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड टू कलेक्ट अ कस्टमर्स नेम ऑन एन ऑर्डर फॉर्म. तो बेसिकली तमाम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आप डिफाइन करेंगे फॉर्म के ऊपर, उनका नाम आप लाजमी स्पेसिफाई करेंगे. जस्ट लाइक हमारी एग्जांपल में नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने कस्टमर नेम जो है वो डिफाइन किया है. तो बेसिकली ये जो नेम हम डिफाइन करते हैं, ये इसको जो है नेक्स्ट इसका पर्पस जो है वो किस पर्पस के लिए हम नेम डिफाइन करते हैं वो लेट्स सी देखते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो हमने कंट्रोल डिफाइन किया है इसमें हमने कस्टमर नेम के नाम से जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को डिफाइन किया है. तो बेसिकली टू पिक अ नेम दैट मेक अ सेंस एंड इज़ यूनिक टू द फॉर्म. जब भी आप किसी कंट्रोल का नाम डिफाइन करेंगे वो नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए और दैट मेक अ सेंस का मतलब ये है कि जो कंट्रोल जिस पर्पस के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि कस्टमर का जो नाम है वो मैं इनपुट कर सकूँ, तो लिहाजा इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो मैंने रेलिवेंट टू दैट पर्पस कस्टमर नेम जो है वो डिफाइन किया है. तो इट्स मीन कि जब भी आप कंट्रोल डिफाइन करें, कंट्रोल क्रिएट करें और उनका नाम डिफाइन करना है, तो आप उसका नाम जो है वो रेलिवेंट टू दैट पर्पस, जिस पर्पस के लिए जो है वो आप बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म्स या कंट्रोल को, उसका नाम रेलिवेंट टू दैट पर्पस होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए. अगर आपने एक फॉर्म के ऊपर एक कंट्रोल का नाम ऑलरेडी डिफाइन किया तो उसको दोबारा किसी दूसरे कंट्रोल का नाम जो है सेम नेम से आप डिफाइन नहीं कर सकते. तो दैट्स मीन दैट विल बी अ यूनिक. द फॉर्म विल बी अ यूज व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड एज वेल एज फॉर मैनिपुलेशन बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो बेसिकली जब आप नेम डिफाइन करते हैं, आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा जो है वो सर्वर पर सेंड होता है और सर्वर जब उस स्क्रिप्ट या प्रोग्राम जिसने एग्जीक्यूट होना था फॉर्म डाटा को हैंडल करना है, वो उस नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए तमाम के तमाम डाटा को जो है वो मैनिपुलेट करता है. आपके फॉर्म के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स हैं उनके नेम्स हैं और जब डाटा सबमिट होगा तो वो डाटा सर्वर के ऊपर जिस स्क्रिप्ट या प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना है वो जो है आइडेंटिफाई बाई द नेम ऑफ द कंट्रोल्स. उन नाम्स जो कंट्रोल्स होंगे उनके नेम से उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनके डाटा को मैनिपुलेट करेगा. दैट्स वाई नेम जो है वो कंपल्सरी है और मैंडेटरी है, लाजमी और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है. इफ़ यू वांट टू लिमिट द साइज ऑफ द फील्ड यू नीड टू सेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन द फील्ड. नॉर्मली आप जब टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करते हैं तो आप उसमें टेक्स्ट जो है वो आप एंटर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वन लाइन लॉन्ग आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. बट यू कैन स्पेसिफाई द लेंथ, आप मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस लेंथ से ज़्यादा करेक्टर्स जो है वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंटर ना हो पाए, तो इसके लिए आप मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे. The browser will prevent the user from typing more than one number of characters specified. और अगर आपने मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई किया तो ब्राउज़र जो है वो आपको मज़ीद करेक्टर जो है वो इनपुट नहीं करने देगा जितने लेंथ आपने मैक्स लेंथ के अंदर डिफाइन की हुई है, उससे ज़्यादा करेक्टर्स आप जो है वो इंटर नहीं कर पाएंगे उस टेक्स्ट बॉक्स. डिस्प्ले इनिशियल और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फील्ड when document load define the value attribute and set equal to the text
दैट इज़ टू बी अ डिस्प्ले इमेज इन द फील्ड। और अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट या इनिशियल टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपीयर हो, डिस्प्ले हो जब डॉक्यूमेंट लोड हो, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ द वैल्यू एट्रीब्यूट। और इस वैल्यू एट्रीब्यूट के जो वैल्यू आप डिफाइन करेंगे या जो टेक्स्ट आप इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अगेंस्ट स्पेसिफाई करेंगे, वो वैल्यू टेक्स्ट जो है जब फॉर्म लोड होगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा, अपीयर होगा। तो लिहाजा वैल्यू एट्रीब्यूट जो है टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट या इनिशियल टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास इनपुट हमने एलिमेंट्स या टैग्स स्पेसिफाई किया, उसके बाद टाइप इज इक्वल टू टैग्स, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, नेम कस्टमर नेम, मैक्सिमम लेंथ हमने 60 और वैल्यू जो कि इनिशियली या डिफॉल्ट अपीयर होगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इंटरव्यू नेम हेयर दैट इज़ द टैक्स विच विल बी अपीयर वैन द फॉर्म इज लोडेड एंड टैक्स बॉक्स के अंदर ये वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि टैक्स बॉक्स किस तरह क्रिएट किया जाता है। जी अब हम एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स ही। ऑलरेडी मैं ये फाइल सेव कर चुका हूँ और इस फाइल का नाम मैंने टेक्स्ट फील्ड डॉट एचटीएमएल के नाम से इस फाइल को सेव किया है और ये मेरे पास ब्राउज़र है जिसमें इस फाइल को मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। विद इन फॉर्म एलिमेंट्स हम इनपुट टैग को यूज़ करेंगे, इसकी टाइप हम जो है वो टेक्स्ट डिफाइन करेंगे फॉर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए। नेम आप डिफाइन करेंगे, कस्टमर नेम के नाम से मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डिफाइन किया, इसको सेव किया और रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं, वन लाइन लेंथ टेक्स्ट जो है, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने अभी डिफाइन नहीं की, लिहाजा आप जितने करेक्टर चाहें एंटर कर सकते हैं लाइन के अंदर। सपोज़ अगर आप इसकी लेंथ डिफाइन करना चाहते हैं तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के ज़रिए आप इसकी मैक्सिमम लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश किया हमने और नाउ अब हम इसको टेक्स्ट इंटर करके देखते हैं, हमारे पास जो टेक्स्ट है जस्ट हेलो वर्ल्ड। जी ये अब नेक्स्ट जो है हम करेक्टर्स इंटर नहीं हो पा रहे क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमने 10 डिफाइन की थी, तो मैक्सिमम लेंथ जो है उसके बाद जो है मज़ीद करेक्टर जो है वो इंटर नहीं हो रहे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मैक्सिमम लेंथ 10 है, इट्स मीन के ओनली 10 करेक्टर्स वी कैन इंटर। इसी तरह वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि इनिशियल और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंटर कस्टमर नेम, ये हमने वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है इनिशियली और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है वो अपीयर होगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इसको रिफ्रेश करते हैं हम ब्राउज़र को, सेव किया पहले हमने एचटीएमएल के फाइल को और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये वो टेक्स्ट जो हमने डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई किया दैट विल बी अपीयर एज अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट और इनिशियल टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स।